कि बार बार हम क्या करते हैं कि मॉक पे मॉक लगाते हैं और बोलते हैं कि भाई साहब इंप्रूव क्या नहीं हो रहा है, भाई साहब इंप्रूव क्या नहीं हो रहा है, कैसे इंप्रूव होगा भी नहीं। नमस्कार दोस्तों, मैं मिथुन डुमराव टीवी का मालिक आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। और फाइनली यार आज हम बात करेंगे ना कि मॉक में नंबर कम आ रहे हैं, काफी सारे लोगों को वो इंप्रूव नहीं हो रहे काफी टाइम से, ठीक है। मॉक में पैनिक हो जाते हो, मॉक में मतलब मॉक देने के बाद यार तुम परेशान हो जाते हो, बात है क्लियर, ठीक है। तो जितने भी लोग परेशान होते हो, अगर इस पूरा वीडियो को अगर देख लोगे और अगर तुम में से यार हजारों लोग देखेंगे, अगर 10 लोग भी अगर फॉलो कर रहे हैं ना, तो अपने लाइफ में गारंटी के साथ करेंगे काफी ज्यादा इंप्रूव करेंगे। क्योंकि एक वीडियो नहीं, ये मेरा इमोशन है, कैसे मैंने 51 से लेकर के 180 तक का सफर तय करा हुआ है, ठीक है दोस्त। आज हम पूरा इस पे बात करेंगे हम, ठीक है। अगर मेरे चैनल पे नए हो, दिल करेगा तो सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। मेरे से जुड़ने से आपका दोस्त फायदा होगा, ठीक है। आप में से काफी सारे मैसेज आते हैं कि अमृत भाई 2 महीने से मॉक दे रहा हूं, अभी भी 110 नंबर पे रुका हुआ हूं, अमृत भाई 100 नंबर पार नहीं होते हैं, ठीक है। सब कुछ आज दिमाग का ढक्कन खोल देंगे हम, पूरा का पूरा एकदम मेरा एक्सपीरियंस आज, मैंने पूरा का पूरा जो कुछ भी मैंने फील करा हुआ है सब कुछ आज मैं यहां पे आज डिस्कस करूंगा। वीडियो को अंत तक एकदम तुम लोग देखो ही देखो, मैं तो कहूंगा, ठीक है। 2 वीक्स में भी देखना पड़े तो देख लो दोस्त, चलो शुरू करते हैं। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम कि मॉक में नंबर कम क्यों आते हैं, ठीक है। मैं टॉप रीजंस बताता हूं कि नंबर कम क्यों आते हैं मेरे भाई। सबसे पहला रीजन कि अगर आप मॉक दे रहे हो और मॉक में आपको वेरिएशन दिखाई दे रहा है, कभी 90 नंबर, कभी 100, कभी 110, कभी 70%, कभी 80%, कभी 95%, मैंने काफी ज्यादा उतार चढ़ाव दिख रहा है, इसका मतलब तुम्हारे कॉन्सेप्ट सीखने में कमी है। इसका मतलब अभी भी तुमको दोस्त बहुत कुछ सीखना है मेरे भाई। तुम खुद से सोच के देखो ना, आसान मॉक में तुम अच्छा नंबर ला रहे हो और वहीं थोड़ा सा मॉडरेट अब अगर मॉक आ गया तो भाई भाई साहब आप पैनिक हो जाते हो, भाई साहब आप घबरा जाते हो, घबराहट में आपसे क्वेश्चन नहीं बन पाता है, घबराहट में आपको कुछ पता नहीं कि ये कैसे बनेगा, इसके कारण ओवरऑल मॉक में नंबर कम आ जाता है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा दोस्त, कॉन्सेप्ट सीखना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट सीखने के कौन को तरीका है, 2 को यहाँ पे तरीका है। एक तो मॉक कम लगाओ, ठीक है, मॉक कम दो, एक ही मॉक दो, और जा करके पहले जितना जितना तुमको अगर कमी दिखाए कि अगर हमको इस चैप्टर में कमी है तो जा करके वो चैप्टर सीखो, तब जा करके दूसरा का मॉक दो, पहल का को अच्छे से एनालिसिस करके। आर यू गेटिंग मी पॉइंट व्हाट आई एम सेइंग माय डियर फ्रेंड, समझने की कोशिश करो। आई नहीं तो अगर तुमको दोस्त शौक है कि हम खाली मौके देंगे, मॉक से इंप्रूवमेंट कैसे होगा, तो केवल मॉक दे रहे हो अगर तुम, तो मॉक को इतना जबरदस्त तरीके से एनालिसिस करो कि दोबारा अगर तुमसे अगर कोई भी क्वेश्चन पूछ दे कि यार देखो मॉक दे रहे हो ना दोस्त, तो तुम सोचो कि हम कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए पढ़ रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी तुम्हारा 90 नंबर आ रहा है, तो बाकी तुमने 110 नंबर का कहां गलत करा हुआ है उसको जा करके सीखो। तुमको उसमें से कितना फॉर्मूलाज मिल जाएगा, फॉर्मूला मिल जाएगा, कितना कुछ तुमको सीखने को मिल जाएगा उसमें से। एक दूसरा तरीका ये है, आर यू गेटिंग मी पॉइंट व्हाट आई एम सेइंग। तो पहला ये था कि भाई साहब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, इस वजह से आपके नंबर कम आ रहे हैं, बोलो कोई दिक्कत की बात है। चलो दूसरा तरीका कि 4 सेक्शन होते हैं प्री में, यानी कि दोस्त तुम्हारे या तो कोई भी, जीके का तो छोड़ दो, वो तो किसी का फिक्स नहीं होता है, किसी का 10 को सही हो जाता है, कभी 15 को सही होता है, उसको छोड़ दो, बाकी 3 सेक्शन में तुम्हारा या तो कोई 1 सेक्शन आना ही तो कोई 2 सेक्शन काफी वीक है, इस वजह से तुम्हारा स्कोर 100 के अंदर में रहता है। तुम खुद लॉजिकली सोचो आखिर क्या है 100 के अंदर में है, या तो तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, नहीं तो कोई भी अगर इंग्लिश पता चला कि ये स्ट्रांग है तो मैथ वीक है, नहीं तो रीजनिंग वीक है। Are you getting my point? तो अपना जो भी सेक्शन वीक है मेरे भाई, उसको स्ट्रॉन्ग करने पर जबरदस्त तुमको मेहनत करना चाहिए। हम लोगों में से काफी लोगों में ये कमी होता है ना कि हम लोग अपने वीकनेस पर काम करना पसंद नहीं करते हैं। सपोज करो ना कि हमको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पढ़ाना है और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में हम देख रहे हैं कि गलत हो रहा है मेरा, क्लोज टेस्ट में मेरा बार बार गलत हो रहा है, तो हम काहे नहीं क्लोज टेस्ट का प्रैक्टिस करेंगे, हम काहे नहीं PQRS का प्रैक्टिस करेंगे। तो जो कुछ भी तुम्हारा वीकर सेक्शन है, जो भी तुम्हारा वीक सेक्शन है, उस पर स्ट्रॉन्ग करने पर काम करो ही करो, ठीक है। 3 को मेनली सेक्शन को तुमको स्ट्रॉन्ग बनाना ही बनाना चाहिए। आप पूछोगे रीजनिंग कैसे स्ट्रॉन्ग होगा, रीजनिंग का तो भाई साहब को वीडियो बनाए थे वो जा करके देख लेना, और नहीं तो अगर तुम रीजनिंग मॉक से भी दे रहे हो ना दोस्त, बहुत सारे हम लोग रीजनिंग मॉक से इंप्रूव कर लिए हैं और रीजनिंग ज्यादातर मॉक से इंप्रूव हो ही जाता है मेरे भाई, समझ रहे हो। तो कभी भी अपने वीक पोर्शन को, जो भी तुम्हारा वीक पोर्शन है उसको कभी भी अवॉइड मत करना मेरे भाई, ठीक है। कभी भी जिसमें तुम्हारा इंटरेस्ट नहीं आ रहा है उसको अवॉइड मत करो, उसको ध्यान से पढ़ो, उसमें दिमाग लगाओ, समझ गए। सबसे पहली बात कि जिस अगर सेक्शन में तुमको दोस्त इंटरेस्ट नहीं आ रहा है ना, जब भी तुम अपना दिनचर्या शुरू कर रहे हो ना, तो सबसे पहले वो काम करो जिसमें तुमको कोई इंटरेस्ट नहीं है और तुमको पता है कि इसको पढ़ेंगे तो हमारा फायदा होगा ही होगा, तो क्या नहीं हम पहले वो काम करेंगे मेरे भाई, समझ रहे हो। पहले वो काम करो, जैसे सपोज करो कि हम क्या करते हैं, हमको एडिटोरियल पढ़ने में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं आ पाता है, उठते हैं फर्स्ट टारगेट एडिटोरियल पढ़ेंगे, सबसे पहला टारगेट। कैलकुलेशन करने पहले मजा नहीं आता था, उठते ही सबसे पहला टारगेट कि सबसे पहले कैलकुलेशन करेंगे, एनर्जी लेवल हाई होता है,
अपने इंटरेस्ट की चीजें पढ़ के फिर जाओगे, फिर दूसरी चीजें पढ़ने जिसमें तुम्हारा इंटरेस्ट नहीं, तो हो सकता है तुम्हारा एनर्जी लेवल थोड़ा डाउन हो जाए, तुम छोड़ दोगे, नींद आने लग जाएगा। तो सबसे पहले उठो, सबसे पहले अपना काम वहीं से स्टार्ट करो जिसमें तुम्हारा लैक ऑफ इंटरेस्ट आ रहा है, ठीक है, उसको क्लियर करो। दूसरा रीजन ये हो गया ना, जो भी सेक्शन वीक है तुम्हारा उसको स्ट्रांग करो। तीसरा कि भाई साहब बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि अमृत भाई कॉन्सेप्ट क्लियर है, सब कुछ क्लियर है, फिर भी नंबर कम आ रहा है। मेरे साथ भी होता था कि यार कॉन्सेप्ट क्लियर है फिर भी नंबर कम आ रहा है। देखो इसके 6-7 रीजन मैंने लिखे हुए हैं। पहला कि लैक ऑफ स्पीड। मेरे भाई तुम्हारे अंदर अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है, तुम्हारे अंदर स्पीड की कमी है। वो स्पीड की कमी सुनो कहाँ कहाँ हो सकती है, या तो मैथ के कैलकुलेशन में हो सकती है, या तो मैथ में काफी टाइम लगा देते हो, काफी इधर उधर वेस्ट हो जाता है, ओवरऑल मॉक पे इंपैक्ट पड़ जाता है। तुम खुद से सोचो, खुद से दिमाग लगाओ ना, तुम्हारी स्पीड में काफी कमी। हम देखते हैं यार कि 10-10 का मल्टीप्लिकेशन अगर बच्चा लोग 3-3 डिजिट का कर रहा है तो 10-10 मिनट लगा रहा है, हम लोग कहाँ 2 मिनट में कर रहे हैं। तो सोचो कि मेरे और तुम्हारे बीच में यहीं पे हम रेस में आगे हैं, तो सोचो कि कितने लोग आगे हैं कैलकुलेशन के मामले में तुमसे। तो वो लोग मैथ जल्दी से बना लेंगे, रीजनिंग भी जल्दी से निपटा देंगे, उनको टाइम का बेनिफिट मिल गया, सोचने समझने का बुद्धि, उनको बुद्धि के लिए उनको टाइम मिल गया, तो उनका स्कोर नहीं बढ़ेगा तो किनका बढ़ेगा। तो तुमको यहाँ पे क्या करना है कि अपने स्पीड को सुधारो, अपने अपने मैथ में स्पीड लाओ। एक और चीज, जब हम पढ़ते थे तो एक और मेरे स्पीड में कमी हमको रियलाइज हो गया था कि क्वेश्चनवा पढ़ने क्या लिखा है भाई साहब, मतलब समझ में नहीं आ रहा है यार, 10 वाली पढ़े तो बेचैन नहीं, घबराहट ये सब होता था। ये सब कैसे दूर होगा? ज्यादा से ज्यादा अपने रीडिंग सेक्शन को, अपने पढ़ने की एबिलिटी को, अपने पढ़ के समझने की क्षमता को भी स्ट्रांग करो। ये कहां से स्ट्रांग होगा? जो तुम एडिटोरियल पढ़ रहे हो मेरे भाई, जो कुछ भी तुम कर रहे हो, मैथ का क्वेश्चन भी पढ़ रहे हो, तो कोशिश करो कि वन गो में, पूरा वन गो में अच्छे से समझ जाओ उसको, ठीक है। ये पढ़ने से होता है, ये पढ़ते रहने से होता है, यहां से भी स्पीड डेवलप हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। तो याद रखना, एक लैक ऑफ स्पीड मैंने बोल दिया है ना, कैलकुलेशन वाला, और एक रीजन हो सकता है, और एक रीडिंग एबिलिटी वाला, बाकी अपने को इंस्पेक्शन करो। दूसरा, हम लोग क्या करते हैं बेवकूफों की तरह, पहले हम क्या करते थे, मेरा नंबर कम आता था तो टारगेट सेट कर देते थे, 100-150 लाना है भाई साहब, पास तो इतना करना है। ये टारगेट सेट मत करो, समझ रहे हो, कभी भी मेरे भाई टारगेट सेट मत करो, क्योंकि तुम तो जनवे नहीं करते हो कि आप सामने वाला पेपर कैसा आएगा कैसा नहीं आएगा। तुम अपना बेस्ट देने से मतलब रखो मेरे भाई, तुम अपना कोशिश करो ना कि हम बेस्ट देंगे। क्या देंगे मेरे भाई? बेस्ट देंगे, बिकॉज यू डोंट नो द लेवल ऑफ द मॉक। तुम कोई टारगेट मत सेट करो, तुम्हारे अंदर ये होना चाहिए कि बस आज हम अपना इस मॉक में बेस्ट देंगे, ठीक है। अब दूसरा कि एक और रीजन हो सकता है कि दोस्तों के बीच में हम लोग लगाते थे तो भाई इससे ज्यादा लाना है, इससे ज्यादा लाना है, एक ये बीमारी होता है हम लोग का, समझ रहे हो। इस बीमारी को दूर करने के लिए कुछ मत करो, यानी कि तुम आओ घर पे, अकेले अपना मॉक लगाओ, जो भी सामने आ रहा है परसेंटाइल इसको देखो, देखो रैंक कितना है, बस इससे कंपैरिजन करो। अपना ऑरा ऐसे लोगों के साथ मत क्रिएट करो जो तुमसे बहुत आगे निकलने की होड़ में लगे रहते हैं, ठीक है। आसपास अगर तुम्हारे वैसे लोग हैं जो, मैंने देखो तुमको अच्छा लग सकता है, मेरा पर्सनली ओपिनियन है कि भैया आई हैव कम हियर टू रूल, नॉट टू कम्पीट विद एनी अदर्स, ठीक है। लगता है मेरे को दूसरों से कंपटीशन चाहिए नहीं, आई हेट इट, ठीक है। नॉर्मल दिख रहा है सामने, परसेंटाइल दिख रहा है, ये दिख रहा है, दिख रहे, अरे हेल्दी कंपटीशन है ये, ठीक है, उसमें अपना वो करो। तो कभी भी दूसरों से कम्पीट मत करो और अपने आप को जबरदस्ती का प्रेशर में मत डालो, ठीक है। देखो मॉक में एकदम 100% इंप्रूव हो जाएगा, और हेल्दी कंपटीशन है दोस्त। सामने वाला अगर चाहता है कि तुम ग्रो करो, ये करो, तुमको अगर बढ़ाना चाहते तो ऑब्वियसली उसके साथ कंपटीशन करो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। और देखो तीन को बात हो गया, डी नंबर, हम लोग क्या करते हैं कि टाइम को इतना ज्यादा प्रायोरिटाइज कर देते हैं ना, इतना ज्यादा प्रायोरिटी दे देते हैं टाइम को यार, कि दिमाग अपना खराब कर लेते हैं कि टाइम चल रहा है, अरे भाई साहब क्वेश्चन है, टाइम चल रहा है, ये यार ये बेवकूफी है, शांत रहो, थोड़ा सा शांत रहो। मेरे साथ ये बेवकूफी होता था, टाइम वाला सीन होता था, तो हम बोले कि हमको टाइम से भी स्पीड अपने आप को करना है, टाइम से स्पीड, अब टाइम से ज्यादा तेज हम कैसे भाग सकते हैं, वो था मेरे अंदर की कैलकुलेशन, वो था मेरे अंदर मैथ में कैलकुलेशन और रीडिंग एबिलिटी, तो हमने वहां से डेवलप करा, हमको टाइम का फर्क नहीं पड़ता है अब, ठीक है। तो टाइम को प्रायोरिटी दो, लेकिन अपने टाइम से खुद तुम ज्यादा आगे चलो, टाइम से तुम ज्यादा आगे चलो। उसके लिए तुमको अब सीटिंग अरेंजमेंट का लंबा क्वेश्चन आ गया, जल्दी से पढ़ के समझने की कोशिश करो, कॉम्प्रिहेंशन लेवल अपना बढ़ाओ, समझने का ताकत अपना बढ़ाओ, ठीक है। चलो एक डी नंबर इस वजह ये भी एक सुधार लेना। एक हो सकता है कि लैक ऑफ सेल्फ बिलीफ, तुमको साला बिलीव ही नहीं होता है कि मॉक में ज्यादा नंबर अभी आ सकता है, तुमको बिलीफ ही नहीं होता है कि तुम 100 पार कर सकते हो, 120 में हो तो 120 पार कर सकते हो, 150 पार कर सकते हो। ये विश्वास करो अपने आप पे, अपने आप पे अगर विश्वास करोगे ना तो भाई साहब तुमको यार तुम एंजाइटी से भी परे हो जाओगे। पहले ही एंजाइटी कर लेते हैं मॉक देने से, पहले ही सोचने लग जाते बहुत ज्यादा। ये सब काम भी मत करो, अपने आप पे बिलीफ लाओ, ठीक है, अपने आप पे विश्वास करो, ठीक है, और विश्वास करो भाई साहब कि आज अच्छा करेंगे, आज अपना बेस्ट देंगे, नंबर कमा रहे तो घबराओ मत, ठीक है, उसको भी इंप्रूव किया जाएगा। दूसरा बात और
क्या कारण है कि कॉन्सेप्ट क्लियर होते हुए भी नंबर कम आता है, गलत ऑप्शन चूज कर देते हैं हम लोग, पता चल रहा है कि एगो ये लग रहा है कि नहीं होगा, बाकी तीन को में से तुक्का उक्का मार देते हैं। तुक्का मारने वाली बीमारी को अब तुमको छोड़ना होगा, क्योंकि मेंस में काफी घाटे का सौदा हो सकता है। एक क्वेश्चन पे एक नंबर तुम्हारा जाएगा, यानी कि चार नंबर तुमने खो दिया, तीन नंबर क्वेश्चन का एक नंबर ऐसे, तो तुक्का भैया भाई सब छोड़ देना आप, ठीक है। कभी भी अगर तुमको दो ऑप्शन अगर लग रहा है क्लियरली नहीं होगा, बाकी दो में रिस्क लेना है, तो ये ले लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है मेरे भाई, समझ गए। तो तुक्का मत मारना, ये भी एक रीजन है कॉन्सेप्ट क्लियर होकर के कम नंबर पाने का। आज चौथा बात नहीं कौवा बात, सातवा बात, हम लोग का एक सबसे बड़ा ये होता है ना तकलीफ भाई साहब, कि हम लोग क्वेश्चन को ना ईगो पे लेना शुरू कर देते हैं। ऐसे बैठे शुरू में आ गया, लगता है कि शुरू से एकदम बनाते चलेंगे, शुरू में आ गया टफ क्वेश्चन, फंस जाते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन को क्या करेंगे, ईगो पे ले लेंगे, तू बनेगा कहा नहीं, बनेगा कहा नहीं, और उस चक्कर में टाइम और ज्यादा दिमाग खराब कर देता है। हम लोग भूल जाते कि सबसे पहले यार इजी क्वेश्चन बनाओ मेरे भाई, सबसे पहले इजी क्वेश्चन जल्दी जल्दी बना लो, लास्ट में जो तुम्हारे पास टाइम बचेगा ना, तो तुम्हारा जो मानसिक लेवल हो जाएगा वो हाई हो जाएगा, और हाई हो जाएगा तो तुम टफ क्वेश्चन बनाओगे ना, तो तुम्हारा दिमाग ज्यादा काम करेगा उस वक्त और बना लोगे। आप लोग खुद ही चीज मॉक में देखे होगे, जो अच्छा नंबर ला रहे वो समझ सकते इस चीज को, ठीक है। तो तीन मेन प्रॉब्लम का बात हो गया, चौथा प्रॉब्लम को ये प्रॉब्लम नहीं, आप सोल्यूशन बता रहे मॉक में अच्छा नंबर आने का सोल्यूशन। कभी भी मेरे भाई अगर तुम मॉक देने से बैठ रहे हो ना, तो एनर्जेटिक और फ्रेश फील करोगे, अरे भाई साहब आज तो गर्दा कब आएंगे, आज तो एकदम मजा आएगा, आज पहले ही सोच लो कि आर्ट ऑफ स्किपिंग रखना है हमको, क्वेश्चन स्किप करने आना चाहिए बिफोर गिविंग मॉक्स, और मैंने पॉजिटिव फील करो, एनर्जेटिक फील करो ही करो। मेरे साथ यही होता था कि जब हम मेंस का लगाते थे ओलिव बोर्ड पर लाइव मॉक, तो हम एनर्जेटिक फील करते थे, ठीक है। कभी भी नंबर कम आ जाता तो इंस्पेक्शन करते थे कि आखिर आज काहे मेरा नंबर कम आया, तो यही सब जवाब निकल के आता था कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम्स थी, मैंने काम करा। आज भी हमको ज्यादा टेंशन नहीं होता, अगर आज भी मेरा मॉक में नंबर कम आएगा तो 10 दिन के अंदर में इंप्रूव हो जाते हैं हम, समझ रहे हो ना। कमजोरी पे काम करना सीखो। देखो मॉक अगर देने जा रहे हो मेरे भाई, पॉजिटिव और एनर्जेटिक, और अपने आप पे विश्वास लाओ, अपने आप में विश्वास रखो, ठीक है। कभी भी टारगेट सेट मत करो कि हमको इतना नंबर लाना है, कुछ भी मत करो, ठीक है। शांति से क्वेश्चन पढ़ो और सॉल्व करो, ठीक है। और सुनो, अगर मान लो कि तुम्हारा भाई साहब नंबर कम आ गया, मेरा नंबर कम आता था, हम खुश हो जाते थे शुरू में, तो बहुत ज्यादा डिप्रेस हो जाते थे, नंबर कम आ गया भाई, ये वो, एक मॉक से तुम्हारा नहीं, एक मात्र नंबर से तुम्हारा पोटेंशियल नहीं डिफाइन होगा, उसको सुधारना पड़ेगा। तुम मॉक में नंबर कम आना यानी कि तुम्हारी कमी को क्लियरली, तुम्हारी कमी तुम्हारे सामने दिखाई दे रहा है, तुम्हारा जो कमी है मेरे भाई तुम्हारे सामने दिख गया, इस कमी को तुम कैसे इंप्रूव करोगे। इस कमी को अगर तुम्हारे अंदर हमको दिख गया कि मेरे में कमी है, यानी कि आज हमको इतना सारा कुछ सीखने को मिलेगा, मेरा मैथ में आज अगर 20 को सही हुआ, यानी कि 5 को क्वेश्चन हमको सीखने को मिलेगा, समझ रहे हो। 5 को क्वेश्चन, यानी कि 5 को क्वेश्चन को ऐसे सीखो कि दोबारा कभी भूलो नहीं जिंदगी में। देखो तुम्हारा नंबर नहीं इंप्रूव कर गया तो बात का यार, मेरे नाम का बकरी पाल लेना। और कभी भी अगर हमने मौक दे दिया मेरे भाई, हमने मौक दे दिया, मेरा नंबर कम आया, शांति से थोड़ा जाओ अकेले में और खुद से बात करो कि मैं जो एक घंटे का मौक दे रहा था, आखिर हमको क्या क्या प्रॉब्लम हम फेस किए थे मौक के दौरान। क्या क्वेश्चन में हम ज्यादा टाइम दे दिए, क्या किसी पार्टिकुलर क्वेश्चन में मेरा 5-10 मिनट लग गया, क्या मुझे कुछ कमी है। ये कमी तुम अपना प्रॉब्लम तुम खुद जान जाओगे, तुमको खुद से ही दिमाग में बात आने लग जाएगी कि हाँ आज के मौक में ये प्रॉब्लम था मेरे भाई, आज के मौक में हमने ये फील करा हुआ था, आज के मौक में मेरा इंग्लिश ने दिमाग खराब किया, ये रूल हमको पता नहीं था, मैथ में ये फॉर्मूला हमको पता नहीं था। उसी वक्त उसको कॉपी पे लिखो, उसी वक्त उसको कॉपी पे लिखो, ठीक है। पहले हमको ये लगता था ना कि हमारा भी नंबर स्टक रहता था, एक टाइम पे हमको ऐसा लगता था ना कि यार हम मॉक दे लिया, एनालिसिस कर ली, बात खत्म, खत्म बात, खत्म करते हैं, मेरा नंबर अगला में ज्यादा आना चाहिए, नहीं आता था। क्यों नहीं आता था, कहें कि जो पहले वाला क्वेश्चन था उसको एक ही बार बनाए थे, तो दूसरा का बार जब आता था तो लो ये क्वेश्चन फिर से आ गया, और फिर धीरे धीरे बनता था, वो टाइम वेस्ट होता था। क्वेश्चन को लिखने से क्या फायदा हुआ, लिखने से क्या फायदा हुआ, रिवाइज करने से क्या फायदा हुआ, इधर लिखे हैं, देखो इधर लिखे हैं, उसके बाद भाई साहब मेरा कभी मैथ में नहीं फंसा, समझ रहे हो। इतना ज्यादा लिखने का प्रॉफिट होता है, इतना ज्यादा प्रॉफिट होता है मेरे भाई कि पूछो मत। तो क्वेश्चन को मैथ में अगर लिखना पड़े तो लिखो, फॉर्मूला अगर बार बार भूल रहे हो तो उसको लिख लो, ठीक है। तो क्वेश्चन को लिख करके उसको बार बार उसको पेज पलट लो दोबारा, जब मॉक लगाने जा रहे हो मेरे भाई, जाकर के पेज पलट के देख लो और एनालिसिस इतने ढंग से करो। हम इंसानों की यही बहुत बड़ी गलती होती है कि बार बार हम क्या करते हैं कि मॉक पे मॉक, मॉक पे मॉक लगाते हैं और बोलते हैं कि भाई साहब इंप्रूव क्या नहीं हो रहा है, भाई साहब इंप्रूव क्या नहीं हो रहा है। कैसे इंप्रूव होगा बिना एनालिसिस के यार, कैसे इंप्रूव होगा। तुम 10 को मॉक दोगे, एनालिसिस ढंग से कर भी नहीं करोगे। मॉक ज्यादा मॉक देने से इंप्रूवमेंट होता है मेरे भाई, हाँ ज्यादा मॉक देने से इंप्रूवमेंट होता है कि बार बार उसको भाई भाई साहब एक ही मॉक दो, इतना जबरदस्त तरीके से एनालिसिस करो, उसके बाद देखो अपना यार कैसे इंप्रूव हो जाएगा मेरे भाई।
बिना पहले मॉक का एनालिसिस किए मेरे जैसा इंसान कभी दूसरा मॉक देता ही नहीं है। जब तक पहला वाला से हमको क्लैरिटी नहीं मिल जाएगा दूसरा मॉक में नहीं जाएंगे, ठीक है। 10 गो मॉक दोगे तो 5% इंप्रूव करोगे, और अगर 1 गो मॉक दोगे और अच्छे से एनालिसिस कर लोगे ना मेरे भाई, तो इतना ज्यादा प्रतिशत इंप्रूव करोगे, इतना ज्यादा प्रतिशत इंप्रूव करोगे कि जिसकी कोई हद नहीं है। माइंड में ना एक दिल में सेटिस्फैक्शन रहेगा कि हाँ पीछे वाला कंप्लीट है, तब हम आगे बढ़ रहे हैं, तब यहां से विश्वास आएगा तुम्हारे ऊपर। समझ रहे हो ना, क्वेश्चन को ईगो पे भी मत लेना और अपने आप को टाइम दो कि भाई साहब कहाँ कमी है। जितना भी कमी बताए ना कहीं इसमें से तुम्हारी कमी प्रॉब्लम सेम होगी, ठीक है ना। इसको दोस्त इंप्रूव कर लेना, ठीक है। सो और बहुत सारे लोग पूछेंगे कि बेस्ट मॉक प्लेटफॉर्म कौन सा है भैया। हम टेस्ट बुक मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी रही है, ओली बोर्ड और ग्रेडर पर भी हम देते थे, ठीक है। बायजू का भी हमने खरीद रखा है, हमने ओली बोर्ड का भी सब्सक्रिप्शन ले रखा है, बट हमको टेस्ट बुक पे ही हम देना कंफर्टेबल फील करते हैं, ठीक है। हम टेस्ट बुक मेरे लिए फर्स्ट चॉइस है, मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है, ठीक है। बाकी अब देख लेना आप ओली भी दे, जो आपको अच्छा लग रहा है दोनों यार, क्या है बेस्ट वेस्ट कुछ नहीं होता, सब अपना मेहनत किया लोग, ठीक है भाई साहब। उम्मीद है कि काफ़ी कुछ आज सीखने को मिला है, और दोस्त बस यही बोलेंगे कि भाई साहब पढ़ो, ठीक है, और हमसे जुड़ो, तुम्हारा काफ़ी फायदा होगा मेरे भाई, तुम्हारी हर एक प्रॉब्लम को हम यहाँ पे सोल्यूशन ला करके रख देंगे। बस ये मेरी फीलिंग थी सारी की सारी। कल रात भर लाइब्रेरी में जा करके सोचे हैं रात में 10 बजे तक कि क्या क्या आखिर हम कैसे, मतलब मेरा कम नंबर आता था, क्या क्या कमी था, यही कमी निकल के आया है, और आप लोगों के साथ भी यही प्रॉब्लम होता है, ठीक है। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।